हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सुषमा शिमला की रसोई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घीये की सब्जी। अब आप सोच रहे होंगे कि घीये की सब्जी, जिसे कोई अच्छी तरह से पसंद भी नहीं करता, ज़्यादातर लोग घीये को लाइक नहीं करते और खाते भी नहीं हैं, पर फ्रेंड्स, जो घीये की सब्जी मैं आज आपको बनाने सिखाने जा रही हूँ, अगर आप उस तरह से अपने घर पे ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सब बहुत चाव से उसे खाएंगे और दोबारा आपके पास डिमांड करेंगे बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले मैंने तैयारी की है, मैंने 6 से 6-7 लहसुन की टुकड़ियां कद्दूकस करके रखी हुई हैं, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस करके रखा हुआ है, एक बड़ा साइज का प्याज को मैंने चॉप किया हुआ है, अच्छी तरह से चॉप कर देना है, और 2 मीडियम साइज के टमाटर जिसे मैंने अच्छी तरह से चॉप किया हुआ है, और मैंने 1/4 किलो घिया जिसे मैंने मोटे ग्रेटर से अच्छी तरह ग्रेट करके रख लिया है। तो फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताती हूँ। मैंने सबसे पहले गैस पे कुकर को चढ़ा दिया है और इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी सरसों का तेल, फ्रेंड्स तेल हो गया है गरम। मैंने इसमें आधी करछी से भी थोड़ा कम तेल डाला था, क्योंकि इन सब्जियों में तेल बहुत ज़्यादा डाल दो तो फिर वो सब्जी बनने के बाद बाहर दिखाई देता है, जो अच्छा नहीं लगता। इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 1/2 सा चम्मच जीरे का, इसमें मैंने 1 छोटी मिर्च, हरी मिर्च काटी हुई है जो मैंने इसमें छोड़ दी है, और जीरा कट गया है। सबसे पहले मैं इसे डालूंगी प्याज, और इसे मैं थोड़ा ब्राउन होने तक भूनूंगी। प्याज को हमने हल्का ब्राउन होने तक भूनना है और इसके साथ ही हम मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसा हुआ कद्दूकस किया हुआ अदरक। लहसुन को हम थोड़ा देर में डालेंगे। फ्रेंड्स, ये प्याज भून चुका हुआ है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप किए हुए टमाटर, इसे भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है। टमाटर भुनने वाले हैं, थोड़ा सा और भूनूंगी और इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी कद्दूकस किया हुआ लहसुन और इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी 1 धनिया 1/2 चम्मच, स्वादानुसार लाल मिर्च और 1/4 चम्मच हल्दी। और इसको हम अब अच्छी तरह से भून देंगे। टमाटर बहुत अच्छी तरह से भून चुके हुए हैं, पूरा मसाला अच्छी तरह से भून चुका हुआ है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी किया हुआ घिया। हमने सारे मसाले को घी में अच्छी तरह से मिलाना है और उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से भूनना है। ये अभी भून रहा है,
इसे हमने अच्छी तरह से भूनना है, कम से कम 10 मिनट लगाकर इसे अच्छी तरह से आपने भून देना है। फ्रेंड्स, घिया काफ़ी अच्छा सा भून चुका हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी स्वादानुसार नमक। नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि फिर पानी छूट जाता है, तो मैंने कर दिया है इसमें ऐड नमक। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला आधा चम्मच, ये अच्छी तरह से मिला लेंगे। और साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी दालचीनी पाउडर 1/4 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है। इसे भून चुका हुआ है, अब मैं इसे, पहले मैं इसे गैस तेज़ कर रही थी, बीच में कभी तेज़ कभी सिम, और अब मैं इसे सिम करके थोड़ी देर के लिए इसे ढक्कन लगाऊंगी ताकि ये पक जाए। आप चाहें तो स्टीम भी लगा सकते हैं, तो एक विसल पर इसे बंद कर सकते हैं, पर मैं इसे विसल नहीं लगाऊंगी, मैं इसे ऐसे ही ढक्कन लगाकर पकाऊंगी। हिलाकर इसे देखते रहिए। गैस कर दी है मैंने सिम, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी, जिस देसी घी की इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, और इसे अच्छी तरह से मिला के ढक्कन लगा के मैं थोड़ी देर से पकने दूंगी। फ्रेंड्स, इसे लगभग बनने के लिए 10 से 15 मिनट लग गए। मैंने सिम गैस के ऊपर इसको पकाया है और ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं आपको अब इसे सर्व करके दिखाती हूँ। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और खाने में तो इसकी टेस्ट हो गई। और इसे हम हरे धनिया के साथ गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे द्वारा बनाई हुई घिये की सब्जी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।